हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में पर्ल ड्रेस तैयार करेंगे इस तरह के। ये आप 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकते हैं इस साइज के ड्रेस को। आज के वीडियो में 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मोती से ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ रानी कलर में 6 mm के मोती ली हुई है, वाइट कलर 6 mm मोती। हमें एक पतली वाली सुई चाहिए होगी, प्लास्टिक के थ्रेड चाहिए हमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुई में धागे को डाल दें। दोनों धागे को आप पहले बराबर पकड़ लें। धागे में रानी कलर के 6 मोती पिरोएंगे। हमने 6 मोती डाल दिए हैं। अब यहाँ एक नॉट लगा लें। आप 2-3 गांठ लगा लें। एक और बार यहाँ धागे को मोती से डालते हुए यहाँ एक नॉट लगा के फिर छोटे वाले धागे को कट कर दें। यहाँ 6 मोती के हमने एक राउंड लगाया है। अब सेकंड राउंड के लिए हमें 5 मोती डालने हैं और एक मोती के साथ इस तरह। अब आप एक और राउंड आप धागे को डालते हुए यहाँ घुमा लें। फिर से धागे को घुमाते हुए आप ऊपर की ओर आएँ। फिर से हमें 5 मोती डालने हैं। यहाँ इस तरह 3 राउंड हमने यहाँ तैयार कर लिए हैं। एक और राउंड हमें तैयार करनी है 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। आप यहाँ 4 राउंड तैयार कर ले पहले। टू और थ्री नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 राउंड यहाँ मोती के पिरोए हैं। आप 5 राउंड आप तैयार कर लें। इस तरह आप 5 राउंड तैयार करें। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 राउंड हमने तैयार करके ये 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार किया है ड्रेस को। और 1, 2 के लिए आप 4 राउंड तैयार करें इस तरह। अब यहाँ धागे को ऊपर की ओर लाएंगे। हमने यहाँ 4 राउंड तैयार कर लिए हैं। अब सेकंड लाइन में आप वाइट से तैयार करेंगे तो धागे को आप इन दोनों राउंड के यहाँ बीचों बीच हमें इस मोती से निकालनी है धागे को। अब यहाँ ये 2 मोती ऑलरेडी है तो इस बार हमें 4 मोती डालनी है। अब 4 मोती डालने के बाद दोनों राउंड के इन दोनों मोती से हमें धागे को बाहर निकालना है इस तरह। और एक राउंड वापस से आप यहाँ घुमा दें। फिर से हमें इन दोनों राउंड के बीचों बीच यहाँ से मोती हमें निकालनी है। यहाँ 1, 2 और 3 मोती ऑलरेडी है, अब हमें 3 मोती ही डालनी है। तो यहाँ इस मोती से आप धागे को डालें। इस तरह हमें तैयार करनी है। फिर से आप एक राउंड और धागे को घुमा लें। अब धागे को यहाँ इस मोती से निकालेंगे। इन दोनों राउंड के बीचों बीच इस मोती से हमें धागे को निकालना है। और यहाँ 4 मोती आप सबसे पहले डालें और इन दोनों मोती के साथ इस तरह। यहाँ धागा ख़त्म हो गया है तो आप यहाँ से कट लगा लें
और इसमें नए धागे को डालते हुए, अब धागे को पहले आप यहाँ डालते हुए एक नॉट लगा लें। आप यहाँ सुई को डालते हुए धागे को कभी भी पास से कट नहीं करें, आप यहाँ सुई को इस तरह आप डालें, हल्के आप खींचें, ये थोड़ी अंदर की ओर चली जाएगी। अब यहाँ आप कट लगाएं। यहाँ ऊपर की ओर आप धागे को लाएं और यहाँ इन दोनों धागों को नॉट लगा के यहाँ बांध लें। फिर से तीन मोती आप डालें। आप जितने भी बड़े लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रहे हैं, एक एक राउंड आप बढ़ाते जाएं। अब यहाँ ऊपर के लास्ट लाइन अब हमें तैयार करना है, तो यहाँ इन दोनों के बीचों बीच हमें इन दोनों मोती से धागे को निकालना है। चार मोती डाल दें, यहाँ इस तरह, और एक राउंड और घुमा लें आप। इस तरह के हमें 6 पीस चाहिए होगा। अब हमें इसे जोड़ना है, तो धागा सबसे पहले इन दोनों पीस को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ वाइट की लाइन है, यहाँ धागा मोती के ऊपर आप यहाँ इस तरह निकालें। अब सबसे पहले वाइट है तो आप यहाँ वाइट मोती आप डालें और इस मोती से आप निकालें। अब धागे को रानी कलर के मोती से यहाँ निकालें और एक रानी मोती यहाँ आप डालते हुए इस लाइन के रानी मोती के साथ आप यहाँ डालें। यहाँ एक राउंड तैयार हो गई है। फिर से एक राउंड पूरा धागा को घुमा लें। अब हमें नीचे की ओर आनी है, तो आप नीचे इस मोती से आप बाहर निकालें और एक वाइट डालेंगे और फिर से वाइट वाले मोती से डालते हुए अब यहाँ फिर से यहाँ रानी मोती से आप निकालें और एक रानी मोती डालते हुए इस पीस के रानी मोती से आप निकालें। अब नीचे की ओर जब आप आ जाएं, तो यहाँ एक दो और तीन मोती है, तो हमें तीन मोती डालनी है और इस ओर की मोती से डालते हुए आप राउंड तैयार करें। अब यहाँ धागे को इस ओर लाएंगे अब यहाँ एक और पीस को यहाँ जोड़ेंगे इस तरह। आप सबसे पहले यहाँ एक मोती आप डालते हुए यहाँ से निकालें और यहाँ तीन मोती डाल दें। इस तरह ही हमें सारे पीस को जॉइंट करना है, तो आप सबसे पहले 5 पीस जॉइंट कर लें, एक पीस को आप रहने दें, मैं आखिरी में आपको दिखलाऊंगी। फाइव पीस को आप इस तरह ज्वाइंट कर लें और जो छठा पीस है उसे आप सिर्फ नीचे की ओर से दो राउंड को ही आप जोड़ें। गोपाल जी को पोशाक को पहनाने के लिए यहाँ दो राउंड खुला रखें और सिर्फ दो राउंड को ही इस तरह करें। तो चलिए, इन सारे पीस को जोड़ दे रहे हैं और एक पीस को इतना खुला रखें आप। यहाँ घेर बनकर तैयार हो गई है। अब चोली तैयार करेंगे। अब यहाँ इस तरह धागे को नीचे की ओर डालते हुए जिस ओर खुला है वहाँ धागे को डालते हुए नॉट लगा लें। अब यहाँ एक राउंड पहले धागे को घुमा लें
इस तरह धागे को आप यहाँ रखें और इस मोती से डालते हुए, यहाँ वाइट है तो सबसे पहले आप 3 रानी मोती को डालें, और यहाँ एक मोती के साथ घुमाते हुए इस तरह 4 मोती के राउंड आप तैयार करें। अगर बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार करेंगे तो नीचे 2 मोती के साथ आप 4 मोती को डाल के 6 मोती का राउंड तैयार करें, और यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए है तो यहाँ 3 मोती के साथ 1 मोती को ही हम यहाँ, अब फिर से 3 पीस वाइट मोती डालेंगे। वन और टू नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो यहाँ हम 8 राउंड तैयार करेंगे। यहाँ 2 राउंड तैयार हो गए हैं और हमें 6 राउंड तैयार करनी है। यहाँ हमने 7 राउंड तैयार कर लिए हैं। अब हमें फ्रंट की ओर इसे इस तरह ज्वाइन करना है। पहले एक वाइट मोती को डालें और जो पीछे के जो खुला पोर्शन है उसके सामने आप फ्रंट की ओर आएं। ये फ्रंट के पोर्शन के बाद वाले जो राउंड है वहाँ इस तरह डालेंगे एक और वाइट मोती को, और चोली के इस रानी वाले मोती से निकालते हुए यहाँ आप पहले जोड़ लें, एक राउंड आप यहाँ पहले घुमा लें। अब यहाँ फ्रंट की ओर आप आएँ, इस तरह। अब हमें फ्रंट वाले जो पोर्शन है ये कॉर्ड, ये जॉइंट वाली पोर्शन आप यहाँ 3 मोती के साथ निकालें। यहाँ ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 मोती है तो आप यहाँ सिर्फ 2 वाइट मोती को डालें, और एक राउंड तैयार कर लें यहाँ इस तरह। अब यहाँ रानी वाले मोती से आप धागे को निकालें, चाहे तो धागा को अभी आप यहीं रहने दें, और इस तरह ही हमें इस ओर के चोली को पहले तैयार करनी है 7 राउंड। तो तैयार कर लें फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ इस ओर हमने 7 राउंड तैयार कर लिए हैं। यहाँ एक मोती को डालते हुए फ्रंट पोर्शन में आप यहाँ डालें, और इस मोती से डालते हुए यहाँ राउंड घुमा लेंगे। दोनों ओर की चोली फ्रंट की ओर जॉइंट हो गया है। अब इन दोनों चोली को हमें जॉइन करना है, तो आप सबसे पहले धागे को ऊपर की ओर लाएं, इन दोनों चोली को अब हमें जोड़ना है। तो यहाँ एक रानी मोती डालते हुए इस रानी मोती से आप बाहर निकालें, यहाँ इस तरह। यहाँ 2 वाइट मोती है तो एक वाइट मोती को डाल के यहाँ ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ एक राउंड घुमाते हुए नॉट लगा के कट कर लें। पोशाक बनकर तैयार हो गई है। बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए भी इस तरह के पोशाक को तैयार कर सकते हैं। राउंड को आप बढ़ाते जाएं। सबसे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 4 राउंड से आप तैयार करें, और आखिरी में एक राउंड आप तैयार करें, और
थ्री अमर लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ 5 राउंड से तैयार करें। 2 राउंड की आखिरी राउंड आप तैयार करें। इस तरह ही हमने यहाँ बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार किया है। हमने यहाँ लड्डू गोपाल जी के लिए पटका भी तैयार किया है, हैट तैयार किया है हमने, और मैचिंग के कड़े भी तैयार किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।